इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावुन किया है। मेरी तरह आप भी रोज पिए नेस्ले नेस्वीटा और बोन्स को रखें स्ट्रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आज। सब कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और आज मैं बहुत खुश हूँ। उसका रीज़न है जो मैं आपको बताती हूँ। एक तो मार्च के महीने में आप सबको पता है कि वुमेंस डे होता है और हम ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन हमने ये सोचा आज सुबह ने और आज टीवी ने कि क्यों ना हम अपनी ख़वातीन के मुख्तलिफ पहलुओं को आज के प्रोग्राम में और इस पूरे हफ्ते के प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि हमारी ख़वातीन के लिए सिर्फ एक दिन नाकाफ़ी है, पूरा वीक होना चाहिए। जो वीक आज से शुरू हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे आप हमारी ख़वातीन को देखेंगे, मुख्तलिफ उनके रूप, मुख्तलिफ उनके टैलेंट्स, और घरेलू ख़वातीन से लेकर प्रोफेशनल हर एज की लड़कियां या ख़वातीन हमारे साथ मौजूद होंगी। रफ्ता रफ्ता हर दिन हम आपके साथ प्रोग्राम शेयर करेंगे, हर दिन हमारा ख़वातीन से रिलेटेड एक टॉपिक होगा। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं या आज जिन लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे वो हैं हमारी घरेलू ख़वातीन, हमारी हाउस वाइव्स। पिछले दिनों मेरे प्रोड्यूसर ने मुझसे, हमारे ऑफिस कॉलीग ही हैं, उन्होंने एक बात उनसे शेयर की और उन्होंने मुझसे शेयर की कि भाई आप यूजुअली बातें कर रही होती हैं कि प्रोफेशनल औरतें हैं, वो बाहर निकलती हैं, उनको ये पता है, उनको वो पता है, घर में जो बैठी हुई है वो शायद ज़्यादा सीधी होती हैं, ज़्यादा मासूम होती हैं, लेकिन जो रिसर्च कहती है वो इसके बरक्स है। वो इस तरह से कि वेस्ट में एक रिसर्च हुई, या उनके अगर आप फैंटसीज़ या नॉवेल्स पढ़ें तो बाकायदा उसमें, क्योंकि वहाँ पर जब नॉवेल भी लिखा जाता है तो उस पर बाकायदा पूरी रिसर्च होती है, जिस टॉपिक पर लिखा जाता है उन इदारों में राइटर्स जाके विज़िट करते हैं, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि वेस्ट में ये सोच है कि जो औरत घर में रहती है, जो घरेलू ख़वातीन है, वो ज़्यादा मॉडर्न है, वो ज़्यादा अपडेटेड है, उनको ज़्यादा नॉलेज है हर चीज़ के बारे में। अच्छा, फिर मैंने उसे अपने माशरे पर अप्लाई किया और मैंने सोचा, वैसे मैं ये मजाक में मेरे जहन में आया, इसके अलावा भी अगर नॉलेज को देखें तो नॉलेज में भी हो सकता है कि हमारी घर में बैठी हुई ख़वातीन ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखती हों चीज़ों के बारे में, लेकिन जब लॉन का तस्करा होता है ना तो मुझे लगता है कि उसमें घरेलू ख़वातीन को ही ज़्यादा पता है, क्योंकि प्रोफेशनल लेडीज़ को मैंने कम ही देखा है कि वो लॉन के पीछे इतना भाग रही हूँ। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि ये बात मैं मजाक में कह रही हूँ। आपको ऐसा लगता है कि जी घर में बैठी हुई ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वो किताबें भी पढ़ती हैं, वो अखबारें भी पढ़ती हैं, वो टीवी भी देखती हैं, उनको सब कुछ पता है, उनको ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा मिंगल होती हैं बाहर अंदर लोगों से, तो उनको ज़्यादा चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है? ये आपने हमें बताना है। और उसके साथ साथ आज की जो हमारी थीम है, आपके घर में आपकी बेगम, आपकी बहन, अम्मी को तो कभी कभी नहीं भी कहते हैं लेकिन बेगम को कह देते हैं, तुमने करना क्या होता है सारा दिन, घर में ही तो रहना होता है, खाना बनाना होता है, बच्चे देखने होते हैं, मुझे देखो मैं बाहर से आता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कितने सारे काम करता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई इतना काम नहीं करना होता। तो आज का हमारा पूरा प्रोग्राम हमारी उन तमाम हाउस वाइफ्स के लिए है जो इस तरफ हैं और जो इस तरफ भी हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। तो जो इस तरफ हैं या हमारे साथ हैं या आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगी, उनसे हमने मुलाकात करनी है, आपने हमारा साथ देना है, आपने हमें बताना है कि ऐसा कितनी बार हुआ कि आपको सब कह देते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तुमने करना क्या होता है, जबकि आप घर के बल्ब भी सही करती हैं, आप बच्चों की छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी हल करती हैं, किचन के मसाइल भी आप ही देखती हैं, घरेलू मसाइल भी आप ही देखती हैं, और जो बड़े बड़े काम आप करती हैं घर से, अगर आप कोई बिजनेस कर रही हैं उसके बारे में भी हमें बताइए। तमाम इन चीज़ों के बारे में आज आपने बताना है, क्योंकि हमारी ख़वातीन के लिए आज से हमने ये प्लानिंग शुरू की हुई है, ये पूरा वीक आप सबके लिए। अच्छा, इक्तबास मेरे पास मौजूद है जिसका मैं क्रक्स आपको बयान करूँगी, और ये एक सोच है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम्स करते हैं तो हम मुख्तलिफ सोच को शेयर करते हैं जो दुनिया भर में सोचा जाता है, जो समझा जाता है, जो स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं। इसका उन्वान तो है जूते, यानी जूते जो आप पहनते हैं, सैंडल्स, जूते ख्वाह किसी भी किस्म के हों, इनका काम पाँव की हिफाजत करना है। अमूमन ये पहनने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इनके बहुत से काम हैं जो आप बेहतर समझते हैं। मोची जूतों की मुरम्मत करते हैं और जूते बिगड़ते हुए लोगों की, जिन लोगों की मरम्मत जूते एक बार कर देते हैं वो शाज़ो नादर ही बिगड़ते हैं। आपको याद होगा कि बचपन में जिन जिन की मरम्मत जूतों ने की होगी वो बड़े होकर शाज़ो नादर ही बिगड़ते हैं, और जिन की नहीं की होती उनके बारे में आपको ख्याल आता है कि इसकी मरम्मत हुई नहीं है, बचपन में सही से मरम्मत हो जाती तो आज ही ऐसा ना होता। सीरियसली, मुझे तो कुछ लोगों को देखकर यही ख्याल आता है कि बचपन में अच्छी वाली फेंटी लगी होती तो अभी इसका ये हाल नहीं होता। जूते नामुकम्मल इंसानों को इंसान के बनाने के काम आते हैं, और जो इंसान बन जाते हैं वो जूते बनाते नहीं, चलाते हैं।
जब जूते चलते हैं तो इंसान भी चलते फिरते नजर आते हैं। बिगड़ते हुए इंसानों को बहुत जूते पड़ते हैं। जूते अगर इनके पाँव में पड़े हों तो वो फौरन इस्तेमाल कर लेते हैं, और इनके सामने पड़े हों तो कोशिश करते हैं कि बच जाएं। जूते ख्वाह सोने के हों, इनकी जगह पाँव है, लेकिन अगर सोने के जूते बना दिए जाएँ तो उठाकर सर पर रख लिया जाता है। काफ़ी कुछ है इसमें, लेकिन इसकी एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि आपके जो जूते हैं, सैंडल्स हैं, चप्पल्स हैं, जो भी आप पहनते हैं, जिस तरह आप अपने आप को कैरी करते हैं, उससे समझा ये जाता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आपके जूते देख के लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पसंद क्या है, आप कैसे इंसान हैं। तो जूते जो हैं ये आप अक्सर देखिएगा, ख़वातीन में भी देखिएगा, हजरात में भी देखिएगा। कुछ को जूते साफ़ रखने का शौक़ होता है मर्दों में, आपको इससे उनकी क्लिनलीनेस का अंदाज़ा होता है। बहुत अपडेटेड जूते लोग पहनते हैं, पॉइंटेड पहनते हैं, चौड़े पहनते हैं, तो इससे उनकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा होता है। ख़वातीन में भी इसी तरह से, कोई ब्रॉड हील्स पहनती हैं, कोई पेंसिल हील्स पहनती हैं, तो उनकी वो कितना पर्टिकुलर है चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। खैर, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, आज हमारी बहुत प्यारी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। फरजाना तो होती है, तो घरेलू सी बात हो गई है। और हमारे साथ सबीन है। अस्सलाम वालेकुम सबीन। सोच क्यों रही थी हाथ मिलाने का? सबीन ने यूं हाथ किए हुए थे और यूं निकल रहा था, अब मिलाओ नहीं मिलाओ, तो बिल्कुल मिलाओ भाई। सबीन हमारे साथ है और हमारे साथ नुजहत है। अस्सलाम वालेकुम। और ये वो है जो हमें कॉल करती है, पता है आपको, जो नुजहत हमारी कॉलर, मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी मैं आपको शुरुआत में बहुत अच्छा वेलकम नहीं कर सकी थी, क्योंकि मैं बहुत हबड़ दबड़ में थी और मुझे यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। और ये दोनों आज यहाँ पर आई हैं। फरजाना आप कहाँ चली जाती हैं, बल्कि आप इधर आए यार। फरजाना जो है आज हमारी इन दो मेहमानों के साथ किचन में है, और क्या कर रही हैं फरजाना? मैं टेस्ट करूंगी, जज करूंगी किसने ज्यादा अच्छा बना। ओ, तो आज आप दोनों जो काम आप करती ना, वो आज मेरा काम है। आज आपका काम है। अरे वाह, आपको देख के खुशी भी हो रही होगी। हाँ, खुशी हो रही है। और इनसे मिलके, क्योंकि इनसे भी मिलके खुशी हुई होगी सबीन से, लेकिन नुसरत से तो हम फोन पे बात करते रहते हैं शो में, तो मुझे तो बड़ा ख्याल रहता है कि जिससे मैं बात कर रही हूँ वो कैसा होगा, कौन होगा, और आज आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए सबीन, आप भी हाउसवाइफ हैं? जी बिल्कुल, दोनों हाउसवाइफ हैं, दोनों है ना। और हाउसवाइफ को ये कितना सुनने को मिलता है, तुम करती क्या हो? मुझे तो इतना सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, और मैं किचन अपने घर में खाना भी सप्लाई करती हूँ। अच्छा, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात सुनने को। कितने अरसे से कर रही हैं आप ये? मैं तकरीबन 6-7 साल से कर रही हूँ। अपने घर से खाना बनाती हैं, और वो होम मेड खाना जो है ऑफिस और दीगर जगहों पर जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब इसमें ये भी है कि हम घरों पर भी देते हैं, जैसे कि किसी के साथ प्रॉब्लम होती है, कोई हार्ट पेशेंट है या किसी के साथ और कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो मैं वहाँ पर भी खाना सर्व। अच्छा, कैसे ख्याल आया सबीन, मुझे ये बताइए कि ख्याल आया, पैशन था, ज़रूरत थी, वजह क्या थी कि घर से खाना बनाना शुरू किया, सोचा कि अपना काम करूं? असल में ना, बस शुरू में ऐसा हुआ कि मैं फ्री होती थी, मेरी बेबी है सिंगल। अच्छा। हाँ, तो वो स्कूल गोइंग हुई, तो फिर उसके बाद मेरा टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था, तो फिर मैंने कहा, मैं सोचती थी क्या करूँ क्या करूँ, तो फिर बेसिकली मुझे कुकिंग का कोई ऐसा शौक नहीं था, लेकिन ये क्योंकि फिर मैंने सोचा कि मैं ये काम इस तरह करती हूँ, बैंक गई एक दिन, बैंक में मैं वेटिंग पे थी। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी कुलीग्स वगैरह खाने के लिए वेट मतलब कर रहे थे, और परेशान भी थे, कुछ ऐसे थे जिसमें पेशेंट भी थे, तो फिर मैंने उनको ऑफर की कि भाई अगर आपको कभी ज़रूरत हो तो आप मुझे। अच्छा, वही ऑफर कर दी दे रहे हैं? ओके, फिर तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, ओके हम आपको बताएंगे। अच्छा, जिस जगह मैं रहती हूँ नियर्स में ही मामजी अस्पताल है। अच्छा। और मेरे इस तरफ अपोजिट जो है ना वो हार्ट हॉस्पिटल है। ओहो। तो वो मुझे ये हुआ कि फैमिली में जैसे कोई आपको पता रहता ही है, बीमारी दुख तकलीफ तो रहती है, तो मैंने उनको भी कहा कि कभी किसी को जरूरत हो तो मतलब एज अ ये समझिए हमदर्दी के तौर पे मैंने उनको। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपके इस काम शुरू करने पर आपके हस्बैंड ने आपका साथ दिया? बिल्कुल बिल्कुल दिया। मतलब कोई ऐसी चीज उन्होंने मुझे नहीं कही कि आप मतलब आप नहीं करो या आप ये क्या कर रही हो आप, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता फैमिली में पहुंचा दी गई, फैमिली से फिर बाहर बाहर से फिर कॉन्टेक्ट बढ़ते। ठीक है जी, एक ब्रेक आने वाला है, आप भी इधर आओ जरा सबीन, और ये तारों से बच के मैं इस तरफ आती हूँ नुजहत के पास। नुजहत जो है वो बिल्कुल हाउसवाइफ है जी, बिल्कुल है ना, कुछ और नहीं करती, घर में होती हैं, बेकिंग यानी घर में ही होती हैं जी, बिल्कुल घर पे। अच्छा, इनके बारे में भी जरा हम जानेंगे और इनकी बातें आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और एक बार फिर आपको बताऊं कि आज हमारा टॉपिक घरेलू ख़वातीन से रिलेटेड है। इस पूरे हफ्ते में हमने हमारी औरतों को, हमारे माशरे में जितनी औरतें हैं, हाउसवाइफ्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अनोखे काम कर रही हैं, उन सब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आज वीक का पहला दिन और हमने सोचा कि हम अपनी उन क्वींस को बुलाते हैं जो घरों में राज करती हैं, जिनको हम कहते हैं कि जी ये होम डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्टर हैं। तो जी होम मिनिस्टर्स यानी घरेलू ख़वातीन हमारी हाउसवाइफ्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें सबीन हमारे साथ हैं, जो घर बैठे बैठे जिन्होंने अपना 6-7 साल हुए हैं, अपना काम भी शुरू किया है, फूड सप्लाई करने का, लंच एंड डिनर सप्लाई करने का, ऑर्डर्स लेती हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर नुज़हत, जो कि हमारी कॉलर हैं, हमें कॉल किया करती थी। और मुझे बड़ा शौक है कि मैं अपने कॉलर्स को देखूं कि वो दिखते कैसे हैं, मैं ज़रा रिलेट तो कर सकूं ना, कि जब उनकी आवाज़ सुनूं या नाम सुनूं तो मुझे याद आए, उनकी शक्ल मेरे जहन में आए। तो नुज़हत आज हमारे साथ हैं और हमारा नाम भी बहुत मिलता जुलता है, मुझे बड़े लोग नुज़हत नुज़हत बुलाते रहते हैं। अच्छा नुज़हत, आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, 2 बेटियां, 2 बेटे। अच्छा, और सारी कितने साल हुए शादी को? शादी को 20 इयर्स हो गए। और 20 इयर्स में सारा वक्त घरदारी, घर वालों का ख्याल रखना, यही हुआ? बिल्कुल। हाँ, कोर्स भी किए इस दौरान, काफी कोर्स मैंने किए, खाने पकाने, मॉन्टेसरी डिप्लोमा किया और खाने का किया मैंने डिप्लोमा, जिसमें शेफ और होटल मैनेजमेंट का कोर्स मैंने किया है। अच्छा, करके किया गया घर वालों पे मॉन्टेसरी कोर्स भी, बच्चों पे अप्लाई किया या कहीं जॉब की? नहीं, जॉब कुछ अर्से की, लेकिन मैंने ये घर पे अभी हूँ, अपनी क्लासेस लेती हूँ घर पे, बेकिंग की पेज मेंशन है। अच्छा, घर पर है घर तो हस्बैंड की कितनी सपोर्ट रही आपके इन कामों में, यानी आपने जब भी कोर्सेज किए, जब भी कहा मुझे अब ये करना है वो करना है, उन्होंने कभी कहा नहीं तुम नौकरी तो करनी नहीं होती, क्या करोगी कोर्स करके? कभी नहीं, खुश होते हैं क्योंकि मेरा शौक है तो वो खुश होते हैं, कभी इस चीज के लिए नहीं। हाँ, कभी कभार ये हो जाता है तुम आज कर क्या रही थी। अच्छा, तो फिर आप क्या बताती हैं उनको? मैं उन्हें बहुत सारी चीजें दिखा देती हूँ कि मैं ये कर रही थी, लंच भी तैयार हो गया, डिनर भी तैयार है, सारी चीजें वक्त पर है, तो जाहिर बात है मैं ये कर रही थी। एक बात बताएं आप दोनों, बल्कि तीनों बताएं, कि ये जो सोच होती है कि जी घर में अगर बैठी नहीं है खवातीन तो उनके पास बहुत टाइम होगा, और खाना पका लिया, बच्चे स्कूल चले गए और वो सो भी जाती हैं, बाकी चीजें भी मेड से करा लेती हैं, तो ऐसी कोई बिग डील नहीं है, घर का काम कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, 24 आवर्स जॉब है। ओहो, अच्छा कैसे? नहीं मतलब देखे ना, ऑफिस जॉब में तो फिर भी 5-6 बजे छुट्टी मिल जाती है, हमारी तो कोई ऑफ नहीं होता, संडे भी ऑफ नहीं, सैटरडे भी ऑफ नहीं, फुल टाइम जॉब है। और इस जॉब में सबसे मेन चीज क्या करनी होती है, जो आप लोगों को लगता हो कि इस जॉब में मेन काम ये है? नुसरत, जिम्मेदारी। ओके, मैं समझती हूँ क्योंकि वक्त पे हर चीज बच्चों के साथ तैयार करना, नजर सही से नहीं आ रही। हाँ, अब बताएं मुझे। वक्त पे हर चीज तैयार करना बच्चों के लिए, वक्त पे लंच डिनर, शाम के लिए बच्चे कोचिंग से आते हैं, उन्हें स्नैक्स वगैरह चाहिए होते हैं, सब चीजें, मतलब मैं समझती हूँ कि जिम्मेदारी और वो, हाँ जिम्मेदारी इसमें बहुत जरूरी है, और टाइम का कि आपका खाना टाइम पे हो जाए ताकि बच्चे लेट ना हो सोने के लिए किसी चीज पे भी, इस चीज का। और सब कितने बजे सोते हैं आपके घर में, और आप कितने बजे सोती हैं रात में? बच्चे तो जल्दी सो जाते हैं, मैं थोड़ा लेट सोती हूँ। थोड़ा लेट, कितना लेट सोती हैं ये बताएं, मैं जानना चाह रही हूँ। 1:30 बज जाता है। 1:30 बज जाता है। और सुबह कब उठती हैं? सुबह बच्चों के स्कूल के लिए 6:30-6:30 ऐसे टाइम पे, फिर दोबारा सो जाती हूँ। दोबारा सो जाती हैं, लेकिन हमारी मम्मी का यही है कि सब सो जाते हैं घर वाले और फिर उनके काम खत्म होते हैं और फिर वो सोती हैं, है ना? आपका भी इसी तरह है या एक बच्ची है तो काम कम है? कम है काम, इसीलिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा अपना वो बढ़ा दिया है कि मैं मुझसे बैठा नहीं जाता, मतलब ये कि आप फ्री बैठे हैं, फिर वो जहन में 10 किस्म की बातें भी आती हैं, फैमिली में क्या कौन कर रहा है और ये सब चीज़ें, तो इससे बेहतर है कि इंसान अपने काम को वो करे तो फिर अच्छा लगता है ना ज़रा। और मतलब इसके अलावा मैं ना बाहर के सोशल वर्किंग भी करती हूँ। अच्छा, हाँ मतलब एरिया देखती हूँ। ओहो, हाँ। क्या देखती है एरिया में? देखती हूँ कोई गाड़ी गलत खड़ी हुई तो उससे। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ये चीज करनी चाहिए भाई हाउस वाइफ्स को। और जो है वो नादरा के जो काम होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट और इस तरह की चीजें भी फिर मैं करती हूँ। अच्छा, लोगों को हेल्प करती है? जी जी बिल्कुल, वेरी नाइस। तो मतलब उसके हवाले से भी मेरा एक मतलब मैं चला रही हूँ एक अपना पूरा सेटअप लेके चल रही हूं। मैं कोशिश करती हूँ कि ये काम अगर नहीं आ रहा ना तो मैं दूसरा काम करूँ। अच्छा। मैंने पेक्स भी बनाई है एरिया की अपनी, और फिर उसकी कंप्लेंट भी एक लिखी है बहुत लंबी चौड़ी। अच्छा, मुझे ये बताइए फरजाना, आपको तो हम बीइंग शेफ अपने शो में देखते रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली शेफ की भी एक जिंदगी है, उन्होंने जिंदगी गुजारी भी, बीइंग हाउसवाइफ भी टाइम आपने गुजारा, तो उस वक्त आप जो आज का हमारा टॉपिक भी है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं सुनते हैं या सुनते हैं तो भूल जाते हैं, और कुछ लोगों को बार बार कहा जाता है कि तुम करती क्या हो, इस बारे में कुछ बताओगे?
मैं देखे शुरू से तो मैं इस प्रोफेशन में नहीं थी, जब मैं हाउसवाइफ थी मेरे बच्चे थे, तो मेरा भी यही था कि सुबह 6 बजे उठना, और मैं जिंदगी में आज तक कभी सोई नहीं दोबारा। अच्छा। ना मैं दोपहर में सोई, और मैंने फैशन डिजाइनिंग का भी किया हुआ था उस जमाने में, मैं कपड़े भी सीती थी, और फिर उसके बाद मैंने सैलॉन का किया, फिर वो सैलॉन भी चलाती थी, और फिर घर का भी खाना बनाना, टाइम से हर चीज, मतलब 11 बजे सुबह मेरा सारा काम हो चुका होता था, उसके बाद फिर मैं जो है वो अपने काम स्टार्ट कर देती थी, जो कोर्सेज वगैरह करने, बाहर निकल गई करने के लिए, बच्चों के आने से पहले घर आ गई, बच्चों को खिलाया, फिर एक रूटीन पूरा बनाया था, जो आज तक वो रूटीन वैसे ही चल रहा है। तो कभी आपको सुनने को मिला कि क्या किया भाई क्या? नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र है नहीं। अच्छा, ये सारे ब्लेस्ड है, किसी को सुनने को ही नहीं मिला। अपनी थीम चेंज करो भाई, थीम चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, जो आप लोगों ने अपने बारे में तो बता दिया, कॉलर है, उसके बारे में जो लोग कभी आप सुनते हो कि कोई किसी को ताना देता है, तुम क्या करती हो, क्या किया तुमने, आपके रिश्तेदारों में होगा, फ्रेंड्स में होगा, उनका नाम ना बताएं, लेकिन कोई ऐसी चीज जो आपके जहन में आए वो हमसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। और आप हैं हमाद? जी जी बिल्कुल। मैं दो बातें करना चाहूंगा, एक तो आपने जो पहले इक्तबास पढ़ा है, तो उसमें आपने बड़े मजे की बात की कि कुछ लोग जो हैं उनको देख के वाकई में लगता है कि इनकी मरम्मत ही होती तो ये शायद ठीक होते, लेकिन वैसे वाकई मैंने कुछ मुझे तो बहुत लगता है। देखे मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो जिनकी मरम्मत होती है तो ज्यादा बिगड़ जाते हैं। ये भी है। और जी जी, और बाकी जो सेकंड आप बात करी है रिगार्डिंग जो खवातीन के बारे में, तो मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि खवातीन वाकई में बहुत ज्यादा काम करती हैं, और हमारी सोसाइटी में मर्दों से ज्यादा काम करती हैं, मतलब। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? जी जी होगी। बेगम को अप्रिशिएट करते हैं आपके, अरे आज तुमने सारा दिन कितना काम किया, क्या खाना बनाया, क्या टाइम स्पेंड करती हो तुम हमारे लिए, कहते हैं कुछ? बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि पूरे पाकिस्तान की खवातीन ओवरऑल मैंने देखा है कि वो घर के काम भी कर रही होती है, घर मैनेज भी कर रही होती है, बच्चों को भी कर रही होती है, बाहर के अफेयर भी देख रही होती है जी, और घर की माइनर मरम्मत वगैरह जो आप जिक्र करती वो भी कर रही होती है, और फिर भी उनको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा होता। तो आज एक्नॉलेज कर दें, अपनी बेगम से शुरू करें आज। आपके फोरम से पूरे पाकिस्तान की खवातीन को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि वाकई में दे डिजर्व रियल अप्रिसिएशन और बहुत काम करती हैं। थैंक यू अहमद भाई, फिर भी बेगम का नाम नहीं लिया आपने, देखें सारे पाकिस्तान की औरतों को कर दिया अप्रिशिएट, बेगम का नाम नहीं लिया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वाकई में बहुत अच्छा काम करती है, बच्चों को भी बड़ा अच्छा मैनेज करती है, और किचन भी बड़ा अच्छा करती है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। और हमारे जो रेगुलर कॉलर्स हैं और बाकी तमाम कॉलर्स हैं जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में देख रहे हैं, दुनिया भर में जहां भी देख रहे हैं, आप बताइए हाउस वाइफ्स को आज आप जितना खराज तहसीन पेश करना चाहें, जितनी तारीफ करना चाहें, आप उनकी कर सकते हैं। एक ब्रेक आ गया, और ब्रेक के बाद आप क्या बना रही हैं? हिडन चिकन। हिडन चिकन, चिकन हम छुपा देंगे, हाँ। उसको फिर सब ढूंढेंगे, ठीक है। और आप क्या बना रही हैं? सेसमी चिकन। सेसमी चिकन, एक हिडन और एक सेसमी, तो आज तो हमारी यहाँ पार्टी है, इनकी रेसिपीज भी शेयर करेंगे, कुकिंग भी होगी, और बहुत कुछ होगा, कुछ मेहमानों से और मुलाकात करवाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, हाउस वाइफ्स के साथ आज का हमारा शो है, और इस पूरे वीक में हमारी कोशिश होगी कि हमारी मुख्तलिफ खवातीन जो हमारे मुआशरे का बहुत 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 अहम हिस्सा हैं, हम लोग पिछले दिनों बल्कि अपनी टीम के साथ बैठ के ये भी बहस कर रहे थे कि हम 51% हैं तो हम 52% है, जिसमें कुछ लोग हमें तंग भी कर रहे थे और कुछ निगेट भी कर रहे थे, तो हमारा इतना मेजर पोर्शन अपनी सोसाइटी में, घर में लोग कहते हैं बेगम खुश है तो सब कोई बिल्कुल ठीक माहौल है, तो इसमें आपके बच्चों का भी वेलफेयर अच्छा है, आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल है, बेगम का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, माँ का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, आपके घर की खातून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वीक का पहला दिन हमने स्टार्ट किया है अपनी हाउस वाइफ से, और इस वक्त किचन में तो आप मिल चुके हैं, सबीन और नुजरत हमारे साथ हैं, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। सबसे पहले फरा हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं फरा? ठीक ठाक हैं। और शादी को? मेरी शादी को 13 इयर्स हो चुके हैं। 13 इयर्स हो चुके हैं। और हस्बैंड बाहर होते हैं? हस्बैंड मेरे बाहर होते हैं, प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में बाहर होते हैं, तो सारा जो घर का मैनेजमेंट है वो मुझे ही चलाना होता है। ये मैं आपसे आपकी सारी कहानी सुनती हूँ अभी। और हमारे साथ मौजूद है फरनाज, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और आपका कुछ अरसे का जॉब का भी एक्सपीरियंस रहा जी, है राइट? Exactly. हाँ, मुझे याद है हमने पिछली दफा बात की थी कि कुछ जॉब का भी है, और अब टोटली हाउसवाइफ। आप टोटली हाउसवाइफ?
ओके, तो मैं दोनों चीजें आपसे पूछूंगी कि किसमें ज्यादा अच्छा लगता था, अपनी भी एक सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो भी आपने बतानी है। और हमारे साथ मौजूद हैं जी यहाँ गजाला हैं, अस्सलाम वालेकुम गजाला, जिनके तीन बेटे हैं और फिर ये दो ट्विन्स हैं, और इनमें क्या क्या नाम है, मान, हाँ महानूर है, महानूर जी, मानूर, ओके, और आप हैं मलियम, मलियम यानी मरियम, ठीक है। तो मरियम और महानूर जो हैं यहाँ पर आई हैं, स्पेशल गेस्ट हैं भाई आज की, क्योंकि बच्चों का साथ जब आप आपकी ज़िंदगी में बड़ा बड़े काम होते हैं, उनके खूबसूरत साथ के साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन जब ट्विन हो तो मुश्किलें होती हैं, बहुत मुश्किलें होती हैं, वो मैं आपसे अभी पूछती हूँ, लेकिन आप ही से शुरू करते हैं। फरा ज़रा बताइए कि हस्बैंड क्योंकि मुल्क में नहीं होते, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं, क्या क्या जिम्मेदारियाँ आप पे, जो आप हमें आज बताएं तो हम या तमाम लोग जो हैं हैरान हो जाएं। पहले तो स्टार्ट यही करूँगी कि मैंने अपना जो कैरियर है, मैंने फाइन आर्ट्स का कोर्स किया। अच्छा, फाइन आर्ट्स में मैंने डिग्री ली, उसके बाद शादी हुई, तो शादी के बाद जो है बिल्कुल सेपरेट रहती थी मैं, कुछ भी नहीं, फर्स्ट पहली दिन ही जाके मुझे किचन संभालना पड़ा, सब कुछ है, सारी चीज़ें कर ली, फिर उसके बाद बेबी हुए, उसको उनको देखा, वो सब कर ली, माशाल्लाह तीन बच्चे हैं मेरे, और लेकिन हस्बैंड मेरे कभी US में होते थे, कभी दुबई वगैरह, प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में जाते रहते हैं, लेकिन इतना यानी कि मुश्किल काम होता है घर को संभालना, लेकिन उसके बाद जो है आपके बच्चे भी देख रहे हैं आप, मैं हर काम बाहर का हो घर का हो सारे काम मुझे मैनेज करने पड़ते हैं, इवन के आप मजदूरों से मैंने घर तक डिजाइन खुद करके खुद बनवाया। अच्छा, खुद बनवाया, किसी वो नहीं हो के कि ये चीज यहाँ होनी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि मजदूर जब काम करेंगे जब मियां घर पे होंगे, नहीं हाँ है ना, तो आपने मेरे हस्बैंड का ये है, मजदूर जब हो तो मुझे मत बुलाना, सारे काम हो जाने चाहिए, ये होना चाहिए कि पहले ये ना हो कि मैं वहाँ आऊँ तो सारे काम पहले फाइनलाइज हो जाए हर चीज। एक कॉलर है, उसके बाद आपने मेरी इस बात का जवाब देना है कि कभी आपको डर लगा होता है ना कि जब आपके पास कोई फादरली सपोर्ट नहीं है, यानी घर में आप रह रहे हैं, या भाई नहीं है या हस्बैंड नहीं है, तो इंसान के दिल में कभी कभी एक डर सा आ जाता है कि जितने मजदूर आ रहे हैं मैं अकेली हूँ, बच्चे हैं, तो इस तरह की चीज़ें कभी जहन में आई, उसके बारे में आपने बताना है। लेकिन कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस्टर, कैसी हैं याहिया बात जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, एंड आई वाज रियली वेटिंग फॉर योर कॉल, क्योंकि अब से हम ये करने वाले हैं याहिया साहब के हमारे रेगुलर कॉलर्स को हम बुलाएंगे, तो मैं आपसे भी मिलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, यू हैव बीन वेरी काइंड। मैं एक बात बताऊँ कि यकीनन जो घरेलू घर में जो खवातीन होती है उनकी वजह से ही हमारा मेंटल पीस होता है। मैं उनको अप्रिशिएट भी करूंगा, अपनी बेगम फरजाना को भी अप्रिशिएट करूंगा। यस बिल्कुल, क्योंकि वो उसने मेरे हर तरह से साथ दिया, और जाहिर है जब घर में हम आते हैं अगर हमें हमारे मामला घर के सही ना हो तो यकीनन फिर एक बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल होती है। औरत को अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग देते नहीं, लेकिन औरत को अप्रिसिएशन चाहिए, वर्डली भी चाहिए। अगर आप अपने अल्फाजों से नहीं करेंगे तो कभी भी औरत मुतमईन। अच्छा, वैसे याहिया साहब मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आप जो इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो ये लफाजी बड़ी काम आती होगी बेगम के सामने। बिल्कुल यकीनन काम आती है, लेकिन जब ज्यादा लफाजी करता हूँ तो शक करने लगती है, पता भी चल जाता है ना। जी जी, शी नोज यू इन एंड आउट। मैं देखिए एक बात कहूँ सर, देखिए मैं तो मेरी तो खैर मैंने तो हमेशा औरतों की रेस्पेक्ट की है, और सिर्फ बीवी नहीं, अगर आपके घर में आपकी बहन है, कोई भी है ना, तो आप उसको रेस्पेक्ट दें, और जो काम वो करती है उनको बिल्कुल ऐसा ना करें कि वो टेकन एज ग्रांटेड हो। वो जो कर रही होती है वो आपके लिए ही कर रही होती है, तो उन मतलब चाहे कोई भी हो, देखें घर में अगर बच्चों को देख रही है, खाना पका रही है, अगर आपको खाना वक्त पे ना मिले तो कितनी प्रॉब्लम होती है, तो छोटे छोटे चीजों के अप्रिसिएशन। और याया साहब ये कितना सही है कि अगर आप घर में दाखिल हो और बेगम मुस्कुराती हुई मिले तो चैन हो जाता है, अमन है, खून बन, और बेगम का मुंह बना हुआ हो तो फिर अपनी जिंदगी भी अजाब लगने लगती है। अगर बेगम का मुंह बना हो तो दिल चाहता है कि दोबारा ऑफिस चले जाओ। हाय हाय। और अगर बेगम हंस रही हो तो दिल चाहता है कि ऑफिस ही ना जाओ। सुन लो बेगमो। लेकिन एक बात बता दूं कि बहरहाल घरेलू खवातीन का बहुत बड़ा रोल है, आप उनको वो नहीं कर सकते। हमारी घरेलू खवातीन जो होम मेकर्स, जो अब उनका हमने लकब दे दिया है, तो उनको अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। मैं सबसे कहूंगा कि अपनी खवातीन को अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करें, उनको रेस्पेक्ट दें, तो इंशाल्लाह आपका घर खुशगवार हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कमिंग बैक टू फरा जी, बस मैंने जो है ये मुझे बताना है आपने कि जब आप ये काम घरों को, क्योंकि डेकोरेट करने तक तो समझ आ जाता है कि अकेली खातून डेकोरेट कर रही है, लेकिन आप उसे बनवा रही हैं, मैप दे रही हैं, मजदूरों से काम करवा रही हैं, ये जरा सा डिफरेंट है। ट्रैक्टर जैसे लगता है कि जो सारा यानी कि डिजाइन, एक दफा किचन खराब हो गया, टाइल्स चेंज करवाए, वो चेंज करवाए, उसके बाद जो है
डर तो लगता है ऑब्वियसली ऐसी बात है, लेकिन ये है कि करवाना पड़ता था, जान पहचान कॉन्फिडेंटली करवाना पड़ता है कि जो है ना ये, और लेकिन मैं थी भी थोड़ी सख्त मिजाज की कि जो है ना करवा लेती थी काम। आज तो इस कदर सॉफ्ट आवाज निकल रही है और कह रही है मैं सख्त मिजाज थी। नहीं नहीं मैं बहुत काम वगैरह करवा लेती हूँ और बाहर के भी कर लेती हूँ। बच्चों को भी फिर क्योंकि अब वो ग्रोइंग एज में है और उस वक्त मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जी वालिद का आसपास होना बहुत ज़रूरी है इस एज में, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं जी जी, तो उसको आप कैसे कॉम्बैट करती हैं या उस कमी को किस तरह से पूरा करती हैं? सारी यानी कि जो सारी जिम्मेदारी होती है वो तो मेरी ही है ना, एजुकेशन से लेके बच्चों की मीटिंग से लेके सारी चीज़ें हर चीज़ मैं ही मैनेज करती हूँ। उनका तो इस चीज़ पे कोई सपोर्ट नहीं है कि वो हाँ। वो सपोर्ट नहीं है, बल्कि आखिरी यही जुमला होता है किया क्या किया क्या किया क्या, ये तो सब करते सारी मेहनत सब मैं कर रहा था सब करते तुम नहीं होगी तब भी मैं कर सकता हूं। ये शी इज बीइंग वेरी रियलिस्टिक। ये लोग कह देते हैं कि भाई इस काम तो सब करते कर हैं हूं। कोई प्यार से बोलता है, कोई गुस्से से बोलता है, कोई क्रिटिसिज्म में बोलता है। अच्छा फरनाज भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बात कर रहा हूं कराची से। जी और ख्वातीन के आलमी दिन के हवाले से तमाम ख्वातीन को स्पेशली पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी और वो दिन कल है लेकिन हम आज से ही शुरू किए हुए हैं। जी जी और हाँ जी। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं कहना चाहूंगा ख्वातीन को एक तो ये कि रिस्पेक्ट के हवाले से बहुत रिस्पेक्ट दी जाए, उनका एहतराम किया जाए, और मीडिया के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक प्लीज प्रोग्राम हर चैनल ख्वातीन के हवाले से जरूर शुरू करे, जिसमें ख्वातीन के मसाइल और ख्वातीन की सेहत के हवाले से सिर्फ ख्वातीन एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, और हर चैनल कम से कम एक घंटे का प्रोग्राम भले हफ्ते में एक दफा ही करे लेकिन उसमें ख्वातीन के मसाइल सुने जाएं, उनकी ख्वातीन माहिरीन हो, ख्वातीन मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, और ख्वातीन की सेहत के हवाले से। एहसन साहब आप हमारा प्रोग्राम देखिए, आज सुबह में हमारी कोशिश हर वीक यही होती है कि हम औरतों और बच्चों पे फोकस करें। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं स्पेशली थोड़ा सा कहूंगा क्योंकि ख्वातीन का प्रोग्राम है, ख्वातीन की पर्टिकुलर सेहत के हवाले से उनकी माहिरीन को जरूर बुलाएं, जो बच्चियों से लेकर के बड़ी ख्वातीन को गाइड करें, और वो ख्वातीन के लिए ही होते हैं। जी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपका, और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को आप कंटिन्यू रखें, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, और ख्वातीन की सेहत के हवाले से उनकी तालीम तरबियत के हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और इन्होंने जैसे मीडिया का जिक्र किया, बीच में मीडिया की वुमेन का भी कुछ कहने वाले थे, तो मैं तो आपसे इस ख्वातीन के वीक क्योंकि हम मना रहे हैं और कल एक आलमी दिन भी है ख्वातीन के हवाले से, तो मैं आपसे यही इल्तमास करना चाहती हूँ कि आप जो हम लोगों के फेक अकाउंट्स बनाते हैं ना फेसबुक पे, खुदारा वो ना बनाया करें। आके कभी मुझे कोई कहता है आपने फलाने पेज पे जो है अपने शेर लिखा था वो बड़ा अच्छा था, और मैं प्लीज़, तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आप लोग फेक अकाउंट्स बनाते हैं ना ख्वातीन के, ये ना बनाया करें, इसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार होंगे। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम वापस आते हैं, फरनाज से बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक, और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आज हमारे पास रियल सेलिब्रिटीज़ ऑफ आर सोसाइटी मौजूद हैं, यानी हमारी हाउसवाइफ्स मौजूद हैं जो हमारे घरों को, हमारे माशरे को बनाने में, बच्चों को बनाने में, संवारने में, निखारने में, पढ़ाने लिखाने में, हर चीज़ में उनका बहुत रोल है, और उनके इस रोल को सराहने के लिए, उनसे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने इन सबको बुलाया है। किचन में हमारे साथ नुजहत और सबीन है, और फरजाना भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इनको लुक आफ्टर कर रही है, और कह रही है कि आज मैं टेस्ट करूँगी सबसे पहले जो ये बना रही हैं। अच्छा सेसमी चिकन जो है उसमें क्या क्या आपने लगाया? सेसमी चिकन को मैरिनेट करने के लिए बेकिंग पाउडर और कर्श ब्लैक पेपर, अच्छा, रेड चिली और थोड़ा सा गार्लिक जिंजर का पेस्ट और मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, ये सारा मैरिनेशन करके उसको फिर मैदे और अंडे के साथ, अच्छा, करके और फ्राई करें तिल, ओके, जो सेसमी होते हैं वो डाल के फिर उसको फ्राई किया है। ये रेसिपी आपने कहाँ से सीखी? ये बस मैंने क्योंकि शौक है तो इधर उधर से लेती रहती हूँ। ओके, इसमें मेरी अपनी काफ़ी वेरिएशन है, मैंने इसमें काफ़ी से जी की है। ठीक है जी, मुझे बड़ी भूख लग रही है, इनकी ये सारी खुशबुएं आ रही है तो मुझे भूख लग रही है। सबीन आप जो बना रही हैं हिडन चिकन, अभी तो नजर आ रही है, ये हिडन कब होगी? ये अभी जब बन जाएगी तब होगी। अच्छा, तो मैं इसकी प्रेजेंटेशन जो होगी ना वो होगी, वो हिडन होगी। ओके, मतलब जब ये सर्व की जाती है तो लोग पूछते हैं। ओह यस सॉरी, ये तो भाई आप मेरे पास, हां सॉरी कोई बात नहीं। अच्छा, जब ये सर्व की जाती है ना दस्तरखान पे तो फिर ये मतलब लोग पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, कि छोले हैं, ये चाट है, ये क्या चीज़ है, तो जी
जब ये आपको मैं तो मैं इसकी रेसिपी थोड़ी देर में शेयर करूंगी हाँ, ओके, इसको ओके। हिडन ही रखते हैं हाँ, देर तक ओके। और जब ये वाली चिकन हमारे पास सेसमे चिकन बन जाएगी तो आपने बताना है, सिर्फ इनको टेस्ट नहीं कराना मैं भी ठीक है, मुझे भी टेस्ट कराना है, मुझे भी भूख लगी है। और हमारे साथ हमारी हाउस वाइफ फरनाज मौजूद हैं जिनसे अभी हम कुछ जिनके बारे में हम ओवरऑल जानना चाहते थे। हमारे साथ गजाला है जो अपनी दो ट्विन डॉटर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है और हमें ज्वाइन किया है रिदा समरा ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शी इज़ अ मॉडल और इनकी कहानी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये मॉडलिंग करती रहीं, उसके बाद हाउसवाइफ रहीं काफ़ी अरसे तक और दोबारा शी इज़ बैक इन द फील्ड है ना, तो आपने भी दोनों मजे चखे, दोनों मजे हैं तो आप उसके बारे में हमें बताएंगी। फरा हमारे साथ हैं जो आपको अपने बारे में बता रही थी, जिनके हस्बैंड यहाँ नहीं होते और सारे काम उनको खुद करने होते हैं, बड़े मजे से उन्होंने बताई थी बहुत सारी चीजें। फरनाज आपसे हम पूछने वाले थे ब्रेक से पहले कि आपने वो टाइम भी गुजारा एजुकेशन की फील्ड से, आप एजुकेशन की फील्ड से आप पढ़ाया करती थी उसको? मैं पहले टीचिंग में थी, उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई जी। ठीक है, और फिर उसके बाद यू डिसाइडेड टू क्विट जी, तो क्यों आपका डिसीजन हुआ और हाउसवाइफ रहने में या प्रोफेशनल खातून होने में क्या फ़र्क है, आपको क्या लगा और ज़्यादा अच्छा किस में लगता है? देखिए जिस चीज़ में भी हमारा इंटरेस्ट होगा उसी में मज़ा आता है, बीइंग अ हाउसवाइफ या हम एज अ प्रोफेशनल हो टीचिंग कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में, मज़ा उसी में आएगा जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो होपफुली कह सकती हूँ मैं कि मुझे उस फील्ड में भी बहुत मज़ा आता था और अब माशाल्लाह से बीइंग अ हाउसवाइफ इसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, वैसे हाउसवाइफ्स की यही क्वालिटी है कि जिस सांचे में ढालो वो ढल जाती हैं और घर में जब होती हैं तो उनको लगता है कि मेरे पास तो मौका ही नहीं है कुछ और करने का। सही कह रही हैं। और जब प्रोफेशन को ये परसू करना हो तो फिर उसका भी वक्त निकल जाता है। जी हाँ बिल्कुल, ये अपने ऊपर होता है कि हम किस तरह किस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं और अगर मैनेज करने का तरीका हम अच्छी तरह जानते हैं तो फिर कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं करती हमें। अच्छा, आपके हस्बैंड का आपने कभी देखा मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब आप काम करती थी तो उनको क्या लगता था, अब आप घर में होती हैं तो उनको क्या लगता है, कभी शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स आपसे? जी बिल्कुल करते हैं और इस मामले में शायद मैं कह सकती हूँ कि आई एम बीइंग लकी कि वो हर चीज़ के लिए मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उनकी तरफ से कोई ऐसी सच पाबंदी नहीं है कि मैं अब हाउसवाइफ के तौर पर रहूँ या मैं काम करती रहूँ। तो निका कि जिस तरह तुम्हें भी आसानी है, तुम जिस तरीके से मैनेज कर सकती हो, इट्स अप टू यू। तो आपने क्यों क्विट किया था, आप क्यों इस चाहती थी कि मैं हाउसवाइफ के तौर पर रहूं? मेरे दो बेटे हैं माशाल्लाह से, तो अब जब मैं ये देखती थी कि मैं दूसरे बच्चों के लिए कर रही हूँ, उनको पढ़ा रही हूँ, उनको टीच कर रही हूँ और उनको टाइम देना बच्चों को स्कूल में भी बहुत ज़रूरी है और आफ्टर स्कूल भी थोड़ा सा टाइम हम बच्चों को देते हैं, तो फिर मुझे ये लगा कि अभी मेरे बच्चे जो हैं उनको थोड़ी बहुत मेरी भी ज़रूरत है, थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंट भी हो जाए, समझ जाए, तो फिर उसके बाद मैं दोबारा से इसको रिज्यूम कर सकती हूँ। आप बताइए भाई रिदा जी, मॉडलिंग के बाद यही डिसीजन बहुत मुश्किल होता है कि मैं घर पे बैठ जाऊँ। हाँ, व्हेन आई गॉट मैरिड मैंने ये डिसाइड किया कि मैं छोड़ दूंगी ये फील्ड और मैंने 12 साल तकरीबन कुछ नहीं किया उसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि नाउ आई गॉट सेपरेटेड तो आई एम बैक और अब मैं काम करना चाहती हूँ। मगर मैं ये फ़र्क इन लोगों का आराम से समझ सकती हूँ कि एक घरेलू खातून होने में और एक हाउस बीइंग हाउस वाइफ और वर्किंग वुमेन दोनों को लेके साथ चलना कितना मुश्किल है, मल्टीटास्क होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा, मैं उस वक्त के बारे में जानना चाहती हूँ जब आप हाउसवाइफ के तौर पर, क्योंकि आपने अच्छा टाइम गुजारा है, तो कभी ये क्रेविंग होती थी कि मैं काम करूँ? बहुत होती थी Okay. एक है एक एक्टिंग का और एक वो रहता है ना अंदर कुछ बहुत होती थी, मैंने बहुत रिजिस्ट किया इस चीज़ को और नहीं कर पाई, फिर पे मैं छोड़ अपने आप को रख नहीं पाई कि मैं दूर रह सकूं और काम करने में फाइनली आई एम बैक एक्टिंग में भी होस्टिंग में भी और मेरा बहुत इंटरेस्ट है और अभी एक प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ माशाल्लाह से बड़ी स्क्रीन के लिए। ओके, सो यू विल कम टू नो वेरी सून और डिसाइड हो गया सब। पाकिस्तान में कर रही हैं? पाकिस्तान में नहीं 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 बॉर्डर पार करके नहीं, पाकिस्तान में कर रही हैं। अच्छा जी, हमारे साथ गजाला भी मौजूद है, दो प्यारी प्यारी बेटियाँ हैं इनकी और ये इनके फोर्थ डिलीवरी थी आपकी, फोर्थ प्रेगनेंसी थी और उसमें आपको पहले से पता था कि ट्विन्स हैं? नहीं, पहले से पता नहीं था। नहीं, हाउ स्वीट, ऐसे कैसे पहले से पता नहीं था? पहले से पता नहीं था, फिफ्थ मंथ में मैंने जब उस वक्त पता चला। अच्छा, और ट्विन्स बच्चों के बाद कितनी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि वैसे तो आपको बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने एक ही दफा में दो बच्चे आपको दिए, बड़ा अच्छा लगता है कि अरे माशाल्लाह दो दो आ गए, लेकिन ये है कि उनको पालना, उनका ख्याल रखना, फिर दूसरे बच्चे उनसे कितने मुतासर होते हैं ये आपने बताना है इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी तमाम हाउस वाइफ्स जो अपने दिल की बातें हमसे शेयर कर रही हैं, जो क्या क्या करती हैं वो आपको और हमें बता रही हैं। और ब्रेक से पहले हम गजाला से बात कर रहे थे। गजाला की दो बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं, ट्विंस, और ट्विंस बच्चों के साथ। हाँ जी, फाइनली आप बताइए भाई गजाला, पहले माशाल्लाह तीन बेटे फिर दो बेटियाँ, अल्लाह ताला ने आपको इनसे नवाजा, किस तरह की जिंदगी हो गई थी शुरू शुरू में? बहुत टफ, बहुत टफ, बहुत टफ। हाँ, क्योंकि जब जाहिर है जब इनके आने का हुआ तो जब मेरा छोटा बेटा था तीसरे नंबर का, तो माशाल्लाह चार साल का था। अच्छा। तो हमने बिल्कुल वही नहीं था कि अब माशाल्लाह हम समझते थे फैमिली कंप्लीट है, लेकिन माशाल्लाह जब इनके आने का हुआ तो खुशी के साथ साथ एक एक्साइटमेंट थी, लेकिन एक डर था कि ट्विंस होंगी पता नहीं क्या होने वाला है। तो ट्विंस का मुझे बहुत ज़्यादा खौफ था, खौफ था। अच्छा, फिर ये आ गई आपकी जिंदगी में, छोटा बच्चा एक ही हो तो कभी वो सो रहा है, कभी जाग रहा है, कभी रो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, तो दो बच्चों में जब ट्विंस होते हैं तो इनका क्या मामूल होता है? तो सारा वक्त काम में लगे रहते हैं। हाँ, जाहिर। और इनकी तो रूटीन ऐसी थी कि मतलब जैसे होता है कि ट्विंस बच्चे एक ही एनी टाइम दोनों काम करते हैं, तो चलो एनी टाइम भी होता तो थोड़ा सा पीरियड होता कि चलो एक को इधर देखो एक को उधर, ठीक है, इनकी टाइमिंग एक को करके हटो तो फिर दूसरा शुरू होता था। अच्छा। एक सो गई है तो दूसरी उठ गई है। अच्छा। ये नहीं कि एक साथ दोनों सो गई या चलो एक साथ फीडर बना के दे दिया तो एक साथ। तो आप बाकी चीजें कैसे कर पाती थी? बाकी तो कुछ नहीं हो पाता होगा, बच्चे जो आपके स्कूल जा रहे हैं उनको लंच देना है या तैयार करवाना है, बाकी सब कैसे करती थी? काफी कोऑपरेटिव। अच्छा, हस्बैंड ने किया वो करा मेरे साथ, कोऑपरेट किया कि बच्चों को छोड़ के आना है वैन तक नीचे, मैं फ्लैट में हूँ। अच्छा। तो ये कि बच्चों को वैन तक लेके जाना है, जैसे लंच बनाने में मेरी हेल्प करना कि उनको बैग में लंच बॉक्स वगैरह डाल देना या थर्मोस भर देना। सुबह में उठ जाते थे जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं इस नतीजे में पहुंची हूं कि हमारी सोसाइटी में बहुत से अच्छे मर्द हैं जी, है ना, बहुत से अच्छे हस्बैंड्स हैं एक्चुअली जी, है ना, हस्बैंड मेरे बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन हां कि मैं बहुत ज्यादा परेशान बहुत हुई हूँ। परेशान बहुत हुई तो बताएं ना उस परेशानी में और क्या हुआ? रोती थी वैसे। हाँ। जब मेरा बेटा हुआ रात था, फर्स्ट चाइल्ड, रात तो मैं बहुत रोती थी रात में, जब दोनों जगती थी एक साथ, है ना, उस वक्त तो बहुत गुस्सा भी आता था, हस्बैंड को उठा के अरे एक को तो संभाल लो। वैसे वाकई बड़ा मजा आता है और आपको रोना भी आता है, अल्लाह माफ करे, बहुत ज्यादा। जबकि जब हो रही थी तो बहुत खुशी थी, दुआ भी थी अल्लाह में बेटियां दे, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी दुआ सुनी, बेटियां ही दी। लेकिन जब रात को दोनों एक साथ जग रही होती थी, कभी बीमार हो जाए कुछ हो जाए तो सब बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन का शिकार हो। ये भी हुआ है कि दोनों एक साथ बीमार हो गए? जी बिल्कुल, 15-20 दिन हॉस्पिटलाइज रही जब छोटी थी, फोर्थ मंथ की जब की बात है, तो उस वक्त में बहुत रोती थी कि अल्लाह मियां अगर तुमने इन्हें दिया है अल्लाह मियां तो बस इनको जिंदगी भी दे दो। अच्छा, आपस में लड़ती थी जैसे छोटी है तो लड़ती नहीं है या कुछ? लड़ती नहीं है, खेलती रहती है, लेकिन हाँ दोनों का हर चीज एक सी ही चाहिए, एक सी चाहिए, जो अगर उनके लिए आ गया तो लाजमी है कि इनको भी इनको वही भी चाहिए। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम अब्दुल रजाक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं नुसरत साहब? जी मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। हाँ माशाल्लाह, आज आपका प्रोग्राम दो मौजू पे हाउस वाइफ, तो सबसे पहले तो मैं अपनी वाइफ जैस्मिन को सुबह सुबह उठने पे मुबारकबाद दूंगा। और उनको आपने मुबारकबाद वैसे भी दे दी है या टीवी के थ्रू ही दे रहे हैं? नहीं, टीवी के थ्रू भी देता हूँ और मैं सुबह ही उठ के देता हूँ। आज उन्होंने सुबह सुबह कलेजी बना के मुझे खिलाई है नाश्ते में, फिर तो दिल से निकली। हाँ। कलेजे और दिल से एक साथ निकली होगी तारीफ। हाँ। अच्छा, दूसरे मौजू आपका था जो सोने के जूते है? नहीं, वो इक्तबास था, आपके जूतों पर इक्तबास था, सोने के जूते थोड़ी थे जी। हाँ, वो हामिद साहब ने हैदराबाद से कॉल की तो मुझे पता चला की उन्होंने भी जूतों के कहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जूते को जो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं लफ्ज को, वो जूते क्यों हैं? है वो जूते यानी उसका मतलब है जुड़ना। अच्छा। जूते का मतलब है जे वाओ तेज जोड़ रहा है, यानी जोड़ का तेज होता है वो जुड़ते हैं। तो है। जब सोने के जूते हो तो वो तो आपने कहा कि सर पे रख के बनाए जा रखे जा सकते हैं, लेकिन वैसे जो जूते होते हैं तो आप यकीन करें जितनी कंपनियां इस वक्त जूते बना रही है, मैं किसी कंपनी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, 3000 से लेके ऊपर तक उनके जो दाम है, यानी हर दो महीने बाद वो निकल जाते हैं जूते उनके भी। तो ये एक जूते वाली कंपनियों को पावर दिया जाए कि इस तरह के जूते ना बनाएं, और चलने वालों से ये कहा जाए कि अपने सर को निगाहों को नीचे रख के चलें। जूतों का गुरूर व तकब्बुर से ही इंसान की शनाख्त होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रजाक साहब, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और हमारे साथ हुमैरा भी इस वक्त मौजूद हैं, जो ऐसे उदास उदास खड़ी हैं। भाई मुझे जरा हैंड कॉर्डलेस दीजिए जो मैंने आप लोगों को दिया था, ताकि मैं हुमैरा से भी बात कर सकूँ। मेरा माइक कहाँ गया? ओह, मेरे सोफे पर रखा हुआ है, देखें
ये होता है मेरे साथ कभी कभी, घर में भी होता रहता है। आप भी आ सकती हैं रिदा, आइए मुझे प्लीज ज्वाइन कीजिए। हम देखते हैं हमारे साथ यहाँ पर हुमैरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये होल्ड कर लीजिए, कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक ठाक है। और ये बड़ी प्यारी प्यारी सी चीजें आपने बनाई हैं, ये सब घर में बनाया है? जी हाँ। अरे वाह, ये देखिए, नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये तो ज्वेलरी बॉक्स है ना, बहुत ही क्रिएटिव है भाई, बहुत अच्छा। ये किन चीजों से बनाया है, किस चीज से बनाया है? ये एल्युमिनियम फाइल कहलाती है, ये एल्युमिनियम है और इस पे ये डेमोंटीज लगे हुए हैं। सारा इम्बोस किया है इसको, और जैसे एक होता है ना डाई का काम, वो डाई नहीं है। अच्छा, इसको हैंडमेड ही हाथ से बनाया है, बड़ा खूबसूरत है। एंड दिस फिश आल्सो, हां फिश भी। और ये अगर आपके पास ज्यादा ज्वेलरी है जो आजकल सबके पास है, कैमरे में हां, ये फिश भी देख लें भाई, उल्टी हो रही है, उल्टी, इसको सीधा कर दें, ऐसे पकड़ लें, बहुत खूबसूरत है। ये खूबसूरत फिश है। और ये अपना जरा ज्वेलरी बॉक्स तो दिखाएं, इतना बड़ा, ऐसे ज्वेलरी बॉक्स की जरूरत आपको जरूर रहेगी अगर आपके पास बहुत सारी ज्वेलरी है। आप लोगों को है इतनी ज्वेलरी? मेरे पास तो है। हाँ, बहुत सामान है, बहुत कह दिया इन्होंने। अब किसने कहा ये हम नहीं बताएंगे, वरना खैरियत रहे। घर में पकड़ हो जाएगी? घर में नहीं, तो घर के अलावा भी पकड़ हो सकती है ना, सासू माँ। नहीं नहीं, और ये भी आपने हाथ से बनाए हैं? ये भी वाली, ये कहाँ मेरी दोस्त छुपाए हुए थे, ये देखें कितने खूबसूरत हैं, गोटा वर्क कहलाते हैं ना ये, बहुत, वाह भाई। ये की चेन्स हैं सारी, आजकल मायों के दुल्हन को ये इस तरह की ज्वेलरी पहनाते हैं। हाँ, और वैसे भी आप पहन सकते हैं, कितने खूबसूरत हैं वाकई, वेरी नाइस। इसका क्या प्राइस होगी, जैसे आप ये घर पे बनाती हैं, कोई आपसे ले तो क्या प्राइस? मैं तो सिखाती हूँ, एज अ टीचर भी हूँ ना। अच्छा, तो काका बावड़ी पे। ओके, तो वहाँ पे ये सारे स्टूडेंट सीखते हैं, और एग्जीबिशंस होती है हमारी एक्सपो में, वहाँ पे परचेज करते हैं सारे। ओके, स्टॉल्स वगैरह लगते हैं। कोई आपसे रिक्वेस्ट करे कि ऐसा बना दें तो बना देते हैं? हाँ, बना देते हैं, क्यों नहीं। बहुत खूबसूरत आपने ये बनाए हुए थे, और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं। और जिस इंस्टीट्यूट का आपने जिक्र किया ना, एक बात है वहाँ के बारे में जो मैं कहना चाहती हूँ, कि वहाँ बहुत कम पैसों में बहुत बड़े बड़े कोर्सेज और अच्छे अच्छे कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और ये क्या है? ये पेन होल्डर है, यूज कर सकते हैं, मतलब चीजों के लिए, मेकअप के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेकअप पहन सकते हैं, लिप पेंसिल्स, आई पेंसिल्स, आप कुछ भी रख सकते हैं, वो भी पेन होल्डर बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए आज आप बनाने क्या वाली हैं, हमारी घरेलू खवातीन को कुछ सिखाने वाली हैं? क्या सिखाएंगी? पेन होल्डर ही बनाएंगे, इस पर हम अरेंजमेंट करेंगे। पेन होल्डर है या वो अपनी जो कुछ चीजें हैं वो इसमें रख सकती हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, बहुत कुछ होता है जो आप इसमें डाल सकते हैं, छोटे वाले पिंस होते हैं, और वो आपने कहीं भी उठा के अपने इयररिंग्स फेंक देती हैं या रिंग्स डाल दी इसमें, वो सब करना। तो ये फोम से हम करेंगे, फोमिक से इसकी अरेंजमेंट। अच्छा, ये फोमिक शीट है, फोमिक शीट है। और कहाँ है वो पेन होल्डर, कहाँ है जिसपे आप अरेंजमेंट करेंगे? इस पे अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। आप बनाना शुरू कीजिए, हम इसको देखते हैं। होती है ना, फॉर्मिक शीट एंड ये सब सबमिट कराना होता है। वैसे स्कूल में कौन कितना क्रिएटिव था ड्राइंग के मामले में? फरनाज जी, मैं बिल्कुल बहुत क्रिएटिव थी, ड्राइंग वगैरह, ड्राइंग करना, आर्ट वर्क करना, ये हाँ। सब जी हाँ। तो और इसमें मजा भी बहुत आता है, बहुत सारी चीजें हम अपने घर में रिसाइकल भी कर लेते। स्टूडेंट में बात कर रही हूं कि जब स्टूडेंट थी जब भी करती थी? जी, जब भी करती थी। हाँ, मुझे याद है हमारी एक आर्ट टीचर जो थी, वो एक्सरे जब कोई होता था, एक्सरे की शीट आपके पास होती थी, उसमें से वो काट काट के एक दौर में एक फ्लावर और वो सारा बनाया जाता था। आप परा? मैंने तो किया ही फाइन आर्ट्स में था। ओह यस, तो वो चीजें घर पे अप्लाई की वगैरह, पीसी वगैरह में कर देती उस वक्त शायद, और घर पे अप्लाई की वो चीजें। हां, घर पे काफी। ओके, हमारे साथ कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, अनीस खान न्याजी बात कर रहा हूँ जी, रिहिंगार खान से। हाँ जी, फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं नुसरत साहब को ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ। जी जी, आप नुसरत से ही बात कर रहे हैं? जी जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। हाँ जी, तो ये खवातीन को जो आप बुलाती हैं जी, और इनके हवाले से आजकल एक वो चल रहा है अपना खवातीन बिल जो चल रहा है। हाँ जी, तो उसके हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि खवातीन के बिल जो पास कर दिए असेंबली में, वो तो चले ठीक है, इनको ये तहफ्फुज़ होना चाहिए, लेकिन काइंडली मेरे रेफरेंस से आप खवातीन तक ये तो बात पहुँचाएं कि जो शोहर होते हैं खवातीन की हर ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं, हाँ, उनकी हर जरूरत पूरी करते हैं, तो उसके बावजूद वो शोहरों को हुकूक नहीं दे पा रही, ये वो खवातीन ऐसा कौन से हुकूक नहीं दे पा रही? जी जी, कौन से नहीं दे पा रही हुकूक? मतलब के हर तरह के हकूक, मतलब के उनकी जरूरतें पूरी होने के बावजूद वो शोहर की नाफरमानी करती हैं, शोहर कोई उनको मिसाल के तौर पर नमाज का कह देता है, शोहर उनके कोई काम का कह देता है, तो
तो वो आगे से वो इनकार करती हैं, तो क्या ये शरीयत या आप उन्हें प्यार से समझा सकते हैं? जी कोई मसला नहीं, आप उन्हें प्यार से समझा सकते हैं कि ये काम ऐसे नहीं है, शरा में है, शरीयत में लिखा हुआ है कि एक बार डांटो, दूसरी बार डांटो, तीसरी बार आप हल्की सी थपकी से उसे समझा सकते हैं, मगर इससे ज्यादा तशद्दुद किया तो हुकूक निस्वा के बिल में जुमरे में आ जाएगा। जी जी, लेकिन माशाल्लाह ये बात जरूर आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन अगर कुरान और हदीस सुनाने के बावजूद वो ना समझे तो इसका क्या हल है? अच्छा भाई, ये तो कुछ घरेलू मसला लग रहा है मुझे। और ये हर किसी का अलग रिलेशनशिप होता है और हर किसी का अलग, ये तो एक तरफ, ये मेरे साथ है, मैं एक और फोरम पे भी केसेस सुनती हूँ और एक तरफ की बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है वाह क्या सच्चा आदमी या औरत है, और जैसे ही दूसरे का सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे इसके साथ क्या हुआ है। पहले आपकी बेगम का भी बयान लिया जाए, हाँ, तो फिर दोनों की बात सुने तो हमें पता चलेगा। और जब शरीयत की बात करते हैं ना खासतौर पर, तो उसमें मैं ये या हम में से कोई एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि उसमें किसी एक्सपर्ट का होना जरूरी है जो आपको, अगर आप इस तरह से जानना चाहते हैं तो वो आपको गाइड करें। हम इस पर भी प्रोग्राम आगे रखेंगे इंशाल्लाह ताला और आपको जरूर इस पर गाइड करेंगे। लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें माने की जरूरत नहीं होती, वो आपके रिलेशनशिप पर है कि अगर आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा है तो अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप हो जाती है कि बहुत कुछ आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ मेहमान अभी हमारे यहाँ से अलविदा, हम उनसे चाहेंगे थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद रहे। ब्रेक के बाद एक और शिफ्टिंग, और आज सुबह की जानिब से हमारी हाउस वाइफ्स के लिए एक ट्रीट है, और वो ट्रीट ये है कि आज उनका मेकओवर या उनकी स्टाइलिंग या उनकी ग्रूमिंग होगी। अब वो क्या होगा, हमारी स्टाइलिस्ट क्या उनको सजेस्ट करेंगी, किस तरह से उनकी उनको हम थोड़ा सा ट्रीट अच्छा कर पाएंगे, ये सब आपको पता चलेगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको पहले तो स्टाइलिस्ट से मिलवाती हूँ, तलत अस्सलाम अलैकुम, जो कि मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, ग्रूमिंग के हवाले से बहुत कुछ जानती हैं, बहुत अच्छी तरह से बातें करती हैं, और इनका जो गेटअप है उसमें एक ख़ास जगह की झलक है जिसको लेकर चलती हैं। अगर ये बोले ना तो शायद आप इनको थोड़ी देर फोकस करें तो पता चलेगा कि इनका ताल्लुक जर्मनी से है ना और बहुत सी वेल अवेयर लोग जो होते हैं फैशन के हवाले से, कॉस्मेटिक्स के हवाले से, ग्रूमिंग के हवाले से, शी इज़ वन ऑफ देम। तो तलत आपको हम वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। और कुछ देर में मैं आपसे पूछूंगी कि हाउस वाइफ्स को कैसा कैसी ग्रूमिंग चाहिए, क्योंकि आप जैसे बाल जो है वो हर कोई नहीं रख सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, कैरी नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो इसके अलावा उनको क्या करने की जरूरत है ये मैं आपसे पूछूंगी। और हमारे साथ मौजूद है गजाला से, तो आपकी मुलाकात हो चुकी है, इनकी बच्चियां यहाँ पर इनके साथ मौजूद है। 17 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। उरूज अस्सलाम अलैकुम। कितने साल हो गए शादी को? 7 साल हो गए शादी। 7 साल हो गए, 17 साल की उम्र में शादी हुई। बच्चे? मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बेटी। हाँ, दूर बैठी हुई है जी। ओके, उसको मैं भी बुलाती हूँ। और एक बेटी घर पर है। एक बेटी घर पर है, अच्छा। और ये आपकी नंद है। अस्सलाम वालेकुम शाहिना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। और हमारे साथ यहाँ पर एक और हमारी हाउसवाइफ शहला साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, माइक करीब कर लीजिएगा जी। और शैला साहिबा, आपका तो माशाल्लाह मैंने सुना एक भरा पूरा खानदान है, खुद भी हाउसवाइफ रही हैं, और अब कितनी बहुएं हैं आपकी? मेरी 2 बहुएं हैं। 2 बहुएं? अच्छा, आपसे मैं शुरू करती हूँ। मुझे एक बात बताइए, जब आप हाउसवाइफ रही तो किसी ने कभी आपसे आके कहा क्या बात है इतना टाइम लगाती हैं, इतनी मेहनत करती हैं हम लोगों पर, या बस रोज वही काम हो रहा है और बस चल रहा है? नहीं, सब वो करते हैं मुझको, बहुएं भी, कि हमारी अम्मी बहुत अच्छा काम करती हैं, हम लोग आप काम अभी भी हाथ बटाती हैं इनके साथ जी? अच्छा, सब मिलके ही करते हैं हम लोग, सब मिलके करते हैं। आप क्या करती हैं? मैं ज्यादातर रोटी वोटी बनाती हूँ। अच्छा, रोटी बनाती हूँ, जो कि सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि घर में ज्यादा लोग हों तो ज्यादा रोटियां बनती हैं जी। अच्छा, दो मेरी एक दो पोते हैं, एक पोती है। अच्छा, तो घर के कामों में भी आप साथ देती हैं, और बाहर का भी सब काम मैं ही करती हूँ। बाहर का क्या क्या, यानी खाना पकाने के लिए लाना सब? अच्छा, सब मेरे जिम्मे है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। तो बेटे या बहू का तो आपने बता दिया, लेकिन बेटे हस्बैंड कभी इन्होंने कहा कि अम्मी आप तो, या हस्बैंड ने कहा बेगम आप तो छाई हुई है बस हमारे घर में? नहीं नहीं, वो भी करते हैं, वो भी हाथ बटाते हैं मेरा, वो भी हाथ बटाते हैं, सबको लगाया हुआ है आपने काम पे हैं, किसी को नहीं छोड़ा। कभी मैं कहीं गई होती हूँ तो हस्बैंड भी कर लेते हैं। ओके, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया।
वालेकुम अस्सलाम नुसरत, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छा शो हो रहा है। और कमिंग टू द टॉपिक, मैं यही कहूंगी कि वजूद जन से है कायनात में रंग, औरत के बगैर सब कुछ नामुकम्मल है। और हमने आपकी इस बात पे शाजिया, हमने भी एक लाइन एक थीम बनाई हुई है अपने शो के लिए जो इस पूरे वीक में है कि औरत सिंफे नाजुक या मिशले राह या फिर दोनों, ये आपने बताया दोनों है, मिशले राह भी है सिंफे नाजुक भी है। मैं कहती हूँ औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और बीवी भी है, और सारे फ्राइज सब जगह अपनी ड्यूटी वो एहसन तरीके से निभा रही है, घर का काम भी सही तरीके से निपटा रही है, और बाहर भी वो जो है जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निपटा रही है, और अच्छे अच्छे औरतों पर भी औरतें फाइज हैं, तमाम औरतों को जो कि इतने हार्ड वर्किंग है उन सबको मैं खाजा की पेश करूँ, सबको मैं सल्यूट करूंगी। यहाँ भी आने हमारे शो में आने वाले दिनों में हमने प्लान किया है। ओके, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपके शो में किसी भी तरह जो है ना जहाज लेके पहुंच जाऊँ मैं। बस आप हमारे शो में अनकरीब आ रही हैं, बल्कि वो हमारे तमाम कॉलर्स जो आना चाहते हैं, जो रेगुलर हैं या इररेगुलर हैं, वो आ सकेंगे। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने मेरे शो में आना है। ठीक है, ठीक है शाजिया, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। अच्छा भाई यूरूज, आप बताएं, कम उम्र में जो शादी होती है तो लड़कियाँ कन्फ्यूज होती हैं, परेशान होती हैं, क्या होते हैं मामला जरा बताइए। ज्यादा कन्फ्यूजन होती है, और अगर जैसे बिल्कुल जैसे जानने वालों में नहीं हो, जैसे वैसे लोगों में हो तो ज्यादा होती है। अच्छा, क्या कंफ्यूजन थी, क्या परेशानी थी? हाउसवाइफ को तो हम समझते हैं कोई मसला ही नहीं, अम्मा अब्बा भी कहते हैं जहाँ जाएगी वहाँ ढल जाएगी, सीख जाएगी, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, ऐसा भी होता है, लेकिन ये कि ज्यादातर यही होता है कि नई नई जगह पे जाती है तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन ये कि माशाल्लाह मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, मेरी सासू बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, मेरी नंदे बहुत अच्छी है, मेरी नंद। अच्छा भाई नंद, आप ये बताएं शाइना साहिबा कि भाभी जो है इतनी कम उम्र की क्यों लाए आप लोग? बस भाई को पसंद आ गई थी। भाई को पसंद आ गई थी, कहाँ देखा था भाई ने? दरअसल मैं ना इनके इलाके में रहती थी। अच्छा, तो मेरे घर आने जाना था भाई का। हाँ। भाई ने देखा था तो कहा था कि बात कर लो। अच्छा, तो हमने इनकी अम्मी, हमने बात की इनकी अम्मी को, हम सही लगे और हमें ये लोग सही लगे, इस तरह। अच्छा आप एक बात बताएं सच्ची सच्ची कि जब बहुत यंग लड़की होती है जैसे इनकी एज थी, तो बहुत सी उससे गलतियां भी होती हैं, बहुत सी उसको चीज़ें समझ नहीं भी आती हैं, क्या आप लोगों को ऐसा महसूस हुआ? नहीं, दरअसल उरूज ने जो भी मतलब काम करना होता था या वो करती थी तो पूछ के करती थी। अच्छा, मेरी एक और भावजी इनसे यानी कि बड़ी हैं वो, उसने इसके साथ बहुत कोऑपरेट किया है, हर बात बताना, उरूज भाभी ये बात है, ये कर लूँ, ये काम है, ये कर लूँ, हाँ ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा। बड़ी ताबेदारी से चलिए हैं। इसलिए कि हमारी अम्मी ने बहुत अच्छा सिखाया है, माशाल्लाह हम लोग आठ बहन हैं। आठ बहन हैं माशाल्लाह। मैं आठवीं नंबर पे हूँ, तो जब और बहन और सिस्टर्स को देखा था तो बस जी। वैसे तुम्हारे ये जो लेंसेस की मैचिंग है ना आज हरे जोड़े से, ये मुझे इतना डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि मैं क्या बताऊं। देख रही है ना आप, बस सारा जोर जो है ना वो मैचिंग पे है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। प्लीज माइक आप दीजिएगा। और गजाला आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रही, आप दोनों फिर आएंगी मेरे शो में है? अच्छा आप दोनों वहाँ क्या देख रही थी, वहाँ क्या नजर आ रहा है बताए? बस कुछ देख रही है, दोनों एक तरफ मुड़ी हुई है इसी तरफ, अब वो क्या है वहाँ पर? फरजाना अच्छी लग रही है कि सबीन के नुजहत अच्छी लग रही है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। खाना अच्छा लग रहा है, यहाँ खाना अच्छा लग रहा है। रिदा भी हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक खाना बन चुका है। नुजहत आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप मौजूद रही, और ये मैंने खाई है सेसमे चिकन, ये बहुत मज़े की है। दूसरी जो हिडन चिकन है ये हिडन होती जा रही है, इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, और हमारे साथ हमारी हाउस वाइफ्स मौजूद हैं। नुजहत को हमने थैंक यू किया है, उन्होंने बहुत मज़े की सेसमे चिकन बनाई थी। अच्छा हिडन चिकन जो है वो यहाँ पर तैयार है, आप इसे देख सकते हैं, हिडन है, कम्प्लीटली हिडन, छुपी हुई है, और इसकी रेसिपी क्या है वो रह गई थी। रेसिपी इसकी इस तरह कि हमने लहसुन अदरक में चिकन को रखा, ऑयल डाले और जी। अच्छा मैं माइक ले आती हूँ और उसके बाद आप इसके बारे में हमें बताएंगी। और साथ में हुमैरा जो है, हुमैरा यहाँ पर अपने फाइनल टचेस कर रही हैं इस होल्डर के हवाले से, ये बहुत खूबसूरत इन्होंने होल्डर जो बनाया है। और कुछ और चीज़ें भी आप हुमैरा बताना चाहती हैं जो घर में फेंकने में चली जाती हैं, उसको जो यूज़ करना है वो भी आपने बताना है। और मेरा माइक, क्योंकि ये माइक मैं कहीं ना कहीं छोड़ देती हूँ और इसे वापस ले जाना होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है।
ओके, तो आपने उमेरा हमें इसके बारे में बताना है जो चीज़ें हम फेंक देते हैं घर में और हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, इसकी रेसिपी। अच्छा, हम ऑयल, चिकन, हाँ ऑयल लिया, ऑयल के अंदर हमने लहसुन अदरक डाला और चिकन को हमने स्टीम दे दिया। उसके बाद हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के डाला। बेसिकली इसके अंदर जो है ना वो अनारदाना डलता है। अच्छा, हाँ इसकी जो मेन चीज़ है ना वो अनारदाना है, ठीक है। उसमें हमने अनारदाने का पेस्ट डाला दही के साथ ग्राइंड करके, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें सारी मसाले वगैरह डाले जिसमें कुटी हुई मिर्चें थी, पिसी हुई लाल मिर्च थी, नमक था, ये सारी। और अपने हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। ये करा फिर उसके बाद जब ये चिकन गल गई तो फिर हमने इसमें कोयले का दम दे दिया। कोयले का दम देने के बाद थोड़ी सी हमने इसमें मतलब इसको सर्व करते हुए हमने इसमें दही डाली और ये प्याज वगैरह जो ये इसको चिकन को छुपा दिया। तो ये इसमें बटर भी ऐड किया, हाँ इसमें, हाँ बटर भी हमने इसमें ऐड किया, दही भी ऊपर से, दही इसकी प्रेजेंटेशन के गार्निश पे पुदीना हरी मिर्च। लेकिन जब हम इसमें कोयले का दम दे रहे थे तो हमने इसमें बटर यूज किया था। अच्छा, आप बड़ा चहक रही थी भाई पहले कि मैं दोनों का बताऊंगी किसने ज्यादा अच्छा बनाया है। तो किसने तो टेस्ट किया है इनका, बहुत मजे का है और अगर इसके साथ एक डिप होता तो और ज्यादा मजे का। मुझे भी ये लगा, लेकिन वो खुद भी कह रही थी नुसरत के बाकी कम है। हाँ तो लेकिन वैसे बहुत अच्छा है इनका, मैंने टेस्ट अभी नहीं किया है तो मैं टेस्ट करूंगी अभी। टेस्ट करें और फिर मुझे रिजल्ट बताएं। वैसे हाँ। तो दोनों, मैंने दोनों का टेस्ट किया, मुझे दोनों अच्छे लगे क्योंकि दोनों अलग अलग रेसिपीज हैं और डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट है बिल्कुल। तो उसमें कोई ऐसा मुकाबला मुझे लगता है कि उस तरह नहीं हो सकता, लेकिन आप शेफ हैं, आप बेहतर बता सकती हैं। तो आप इसे टेस्ट कीजिए और फिर हमें बताइए, मैं इंतजार करूंगी आपके रिजल्ट का। और हुमैरा, कुछ आप बताना चाहती हैं? वैसे इनके भाई की शादी थी कल, बहुत मुबारक हो आपको। निकाह था, ओके, तो वो शादी हुई ना, बस शादी है वो। हाँ, तो ये इन्होंने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई है, ये मेहंदी वगैरह लगाई भी और फिर भी इन्होंने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। खुद लगाई है जी। अरे वाह, फिर आइंदा आप मेहंदी के लिए भी मेरे शो में आ रही हैं फिर। अच्छा, है ना, वेरी नाइस। अच्छा, अब बताइए कौन सी चीजें घर में जो हम फेंक देते हैं, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं जैसे मियो का खाना होता है ना, कैट्स का फूड होता है, तो उसको मैंने देखिए यूटिलाइज किया। मतलब फेंकते नहीं है। और जो बिस्किट्स के पैकेट्स होते हैं, इस टाइप के होते हैं, कैन होते हैं, जैसे पाइन एप्पल के होते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, और इस तरह की ये कहाँ से आते हैं? ये बॉक्सेस तो हमें जैसे बनवाना पड़ता है। अच्छा, ये प्लाई होती है, ये वुड होती है, वुड पर ये काम है। अच्छा, वुड के आप बनाते हैं या वुड के मिल भी जाते हैं? सादा बना भी सकते हैं और जो कार्डबोर्ड शीट होती है उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर फिर ये सारी चीजें डेकोरेशन वगैरह करते हैं। इनकी कितनी लॉन्ग, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है? अगर आपने ये फिश अपने घर में लगा दी तो इसकी लॉन्ग लास्टिंग है जी। ये वो है, की होल्डर है, ये की होल्डर है, कहाँ है? अच्छा, वो मुझे नजर नहीं है, क्लिप्स नजर अभी नहीं। ओके, वो क्लिप्स आएंगे तो ये की होल्डर है। अगर आपके घर में ऐसा खूबसूरत सा की होल्डर हो तो बहुत अच्छा लगे, बहुत खूबसूरत। अच्छा है, हाँ जी। तो हुमैरा, और कुछ है जो आप यहाँ बनाने वाली हैं? जैसे ये माइयों के लिए हमने अरेंजमेंट की थी के इस तरह हमने वो लगा लिया। हाँ। और ये प्लास्टिक, ये एक प्लास्टिक की प्लेट है और एक छोटा सा बाउल है और ये प्लास्टिक का बाउल है। ये देखिए, ये दोनों चीजें प्लास्टिक की हैं। इसको इन्होंने ऐसे करके कवर कर लिया और यहाँ पर ये सारे फ्लावर्स इसी से, ये फोमिंग शीट से इन्होंने फ्लावर्स बना के लगाए, अंदर शीट लगाई येलो, और ये कितना खूबसूरत बन गया। इसमें आप लोग फ्लावर्स लेकर गए थे? नहीं, ये मेहंदी की ट्रे, मेहंदी रखते हैं ना माइयों वगैरह में, अरेंजमेंट होती है ये उसके लिए, ये उसके लिए। तो घर में ही आपने तो सब कुछ बना लिया है ना? ओके, थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं तलत, आपसे हमें पूछना है कि घरेलू खवातीन, वैसे तो मुझे लगता है कि वो बहुत अपने ऊपर तवज्जो देती हैं, इतना कुछ टीवी में देखती हैं, सैलून जाती हैं, लेकिन कई बार ब्लंडर्स भी कर देती हैं। तो हमने सोचा कि आज के शो में हम इन ब्लंडर्स को ख़त्म करते हैं और आपसे पूछते हैं कि जो ग्रूमिंग होगी घरेलू ख़वातीन की, उसमें आप क्या सजेस्ट करती हैं? उसमें ये सजेस्ट करती हूँ कि देखिए, आप पूरे दिन अपने घर में लगी होती हैं और इतना अपने फैमिली को सर्व कर रही होती हैं, बेहतरीन खाना बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन बाय द टाइम जब आपके अपने घर वाले, आपके हस्बैंड घर आते हैं, खाना तो वो बाद में खाएंगे ना, पहले तो वो आपकी शक्ल देखते हैं, है ना। और अगर आपकी शक्ल सारे दिन से थकी हुई और एकदम उजाड़ है तो उस खाने का भी कोई मजा नहीं आएगा फिर। तो मैं ये समझती हूँ कि हस्बैंड के आने से एटलीस्ट 10 मिनट्स पहले, और 10 मिनट्स से भी बहुत कम लगते हैं, 2 से 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और ऐसा लगता है कि आप सारा दिन सिर्फ उन्हीं का इंतजार कर रही थी बैठकर। आपने इस फॉर्मूले को अपनाया अपनी जिंदगी में? बहुत ज़्यादा अपनाया, बिल्कुल
भगवान से अपना यहाँ आप ऐसे ही मिलती हैं सारा दिन अगर दोपहर के खाने के वक्त भी आ जाओ तो ऐसी होती हैं हाँ नहीं मैं शाम को बिल्कुल डिफरेंट होती हूँ बिल्कुल डिफरेंट होती हूँ मैं शाम में बिल्कुल एक हाउसवाइफ होती हूँ और ये तो हमारे प्रोफेशनल ड्रेसेस होते हैं लेकिन घर में आई एम टोटली डिफरेंट लेकिन सारे दिन की थकन मैं अपने हस्बैंड के लिए बचा के नहीं रखती ओके आप इसी तरह स्माइल से भरपूर चेहरा वेलकमिंग हाँ ये अम्मियाँ भी सबकी समझाती हैं हम आप क्योंकि हम यहाँ रोज तैयार हो के ऐसी हालत हो जाती है कि घर में आप वही आप करने चाहता है लेट बैक नहीं चाहता और उस वक्त अम्मा कहती हैं कि सारी दुनिया के लिए तैयार हो गए एग्जैक्टली अब जब मियाँ घर पे आने वाला है तो ऐसे बैठे हो एग्जैक्टली ऐसे ही है और हमारी यहाँ जो वर्किंग वुमेन है वो तो बेचारी खास तौर पर ये करती है कि वो सचती ही दूसरों के लिए अपने प्रोफेशन में हमारी जरूरत होती है लेकिन जिसके लिए हुक्म है हमें तैयार होना उसकी बारी कम आती है। अच्छा तो बताइए करने की क्या जरूरत है करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती है बस शाम को थोड़ी देर पहले जब आपका काम वाम खत्म हो जाता है आपने अपने शाम की चाय से पहले थोड़ा सा फेस फ्रेश कर लिया अपना उसमें दो से तीन चीजें लगाई और हार्डली आपको 5 से 8 मिनट लगते हैं लेकिन वो इतना रिफ्रेशिंग होता है कि आप जब दरवाजा खोलती हैं अपने हस्बैंड के लिए तो वो कहता है कि दुनिया में कोई गम नहीं है अरे वाह अच्छा ऐसी फीलिंग आपको अपने बच्चों को देखकर होती है तो हस्बैंड जो है वो सुन रहे हैं तो वो हमें कॉल करके बताएं कि बेगम को देखकर भी ऐसी फीलिंग हो सकती है कि दुनिया में कोई गम नहीं है ये बेड से कह सकती हूँ कि जो बीवियाँ पूरे दिन की थकन सजा के दरवाजा खोलती है तो हस्बैंड कहता है अब दुनिया में कोई अट्रैक्शन नहीं है ओके अच्छा ये आप डेमो भी करके दिखाएंगी बिल्कुल मैं अभी डेमो करके दिखाऊंगी आप मुझे बताएं भाई इनकी प्यारी सी बेटी अनाबिया भी यहाँ पर मौजूद है उरूज मुझे एक बात बताएं आप शाम में तैयार व्यार होती हैं हैं जैसे अभी तैयार लग रही है माशाल्लाह ऐसे तैयार होती है हस्बैंड रोजाना लेके जाते हैं शाम में बाहर अरे वाह फिर तो तैयार होना बनता है अच्छा और आप बताइए शाहिना आप कभी आपको मुझे इतना सादा लग रही है आप कभी तैयार हुई नहीं मैं शुरू से इसी तरह हूँ इसी तरह है और तो ये जो इतनी बातें बता तो रहे हैं है, मेरे हस्बैंड नहीं है उनकी तो डेथ हो गई 8 साल हो गए लेकिन मैं हमेशा मेरा ख्याल में स्कूल लाइफ से इसी तरह सादा हूँ सादा ही है और सादगी में ही आप तारीफें सुनती रही बस अच्छा इनका बड़ा मजेदार है कह रही है रोज मैं बाहर जाती हूँ बाहर जाती कहाँ हूँ रोज ये बताओ फिर मुझे ब्रेक लेनी सिस्टर्स क्या ले जाते हैं मेरी करीब करीब सिस्टर्स हैं फिर मेरी माशाल्लाह नंदे बहुत अच्छी हैं ये कहीं ना कहीं जाती रहती बुलाती रहती हैं अरे वाह माशाल्लाह और हम फैमिली बड़ी है तो दावतें भी बहुत चलती हर हफ्ते किसी के यहाँ कोई ना कोई दावत होती है माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो ये चंद चीजों का जो तस्करा आपने किया ये लगा के भी दिखानी है और रिदा आपने भी हमें बताना है और अपने एक्सपीरियंसेस आपके कुछ रह गए हैं जिसके बारे में मैं सुनना चाहती हूँ आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक और हमारी हाउस वाइफ जो हैं वो कुछ कुछ तैयार हो रही हैं और जिस तरह से तलत ने कहा था कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तलत एक्सप्लेन भी करती जाइए हाँ जी तैयार होने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है ये वो चीज़ें जो हमारे ड्रेसिंग टेबल पे हर वक्त हमारे पास होती है जैसे पाउडर हो गया लिपस्टिक हो गई ब्लश ऑन हो गया बस आई थिंक ये बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश अप करने के लिए मुझे तो अभी से चेंज लगने लगी है और थोड़ा सा हेयर स्टाइल हेयर स्टाइल के लिए आपको कुछ नहीं करना है अगर आप अपने एक खास पैटर्न है आपका कि आप सेंटर पार्टिंग करती हैं या जिसे उसको थोड़ा सा चेंज कर लें जुड़ा है तो बांध लिया करें मतलब जो आपका रेगुलर दिन का स्टाइल है शाम को बस उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो वो एक खुद ही बड़ा प्यारा सा चेंज आज तो आपकी बहुएं बेटे और हस्बैंड और मैं इनके सबके मेरे ख्याल में कमेंट हमें रिकॉर्ड कराने चाहिए घर में कैमरा भेजें आपके पता तो चले ना किसने क्या कहा क्या कहेंगी इनकी बहुएं बताएं भाई उरूज तारीफ करेंगी कि मेरी बहुएं अच्छी हैं तो तारीफ ही करेंगी वाकई अभी आप भी देख के बताइएगा कैसा लग रहा है रिदा कुछ चीजें रह गई हमारे आपके दरमियान भी डिस्कस होने वाली जो आप बता रही थी हाँ जो आपके आप क्योंकि दोनों फील्ड्स का या दोनों लाइफ्स का कुछ कंपैरिजन कर रही कंपैरिजन है मैंने काम बहुत अर्ली एज में शुरू किया आई वाज इन स्कूल जब मैंने पहला फैशन शो किया अच्छा तो हॉलिडन मैरियट उस वक्त हॉलिडन हुआ रोटरी क्लब के तवज्जो से किया था एंड उसके बाद फिर वो एक स्टार्ट हो गई चीज़
तो ड्यूरिंग माय स्टडीज मैंने क्विट किया और आई हैव अप्लाइड इन पीआईए. अच्छा. पाकिस्तान इंटरनेशनल को सर्व किया मैंने फॉर 8 years. ओके. एज अ परमानेंट क्रू मेंबर. तो व्हेन आई गॉट मैरिड उनकी ये शर्त थी कि जी छोड़ दो. मैंने छोड़ दिया. अब उसके बाद ये एहसास होता है कि कितनी बड़ी गलती की. अच्छा. हाँ, लगता है बहुत बहुत क्या लगता गलती है? क्या लगती है आपको कि छोड़ के अगर आप हाउसवाइफ बनी तो क्या गलती क्या है इसमें? गलत क्या? अब मुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, कंटिन्यू करनी चाहिए थी. आपको लगता है उसमें आपकी एक स्टैंडिंग थी? एग्जैक्टली. और उससे पहले मैं प्लेस कर चुकी थी शायद इकबाल पाशा के साथ. वॉज माई फर्स्ट प्ले. यासिर अख्तर के साथ किया था मैंने ख्वाब सुहाने. उसके बाद मोहम्मद बख्श में जो अब्दुल्ला कादवानी माहिरा खान रविश गुलाब चांदियो पीटीवी से क्योंकि उस वक्त पीटीवी होता था. फिर एसटीएन आया तो गजनफर साहब के साथ बहुत ज़्यादा काम किया. अच्छा. मिस्ट्री थिएटर और फिर लॉन्ग प्लेस बहुत सारे किए. तस्नीम असलम के साथ किया. चलिए अब आप वापस आ गई हैं और आपकी ये ख्वाहिश दोबारा एक जी जी मैं वापस आ गई हूँ और अब अवेलेबल हूँ. फुल फ्लैश आ गई हूँ और अब करना चाहती हूँ मैं काम. तो आपने उस पीरियड में एक चीज़ मुझे बताइए सच्ची सच्ची क्योंकि हमारे पास तो जितनी हाउसवाइफ्स आई उन्होंने अपने उस टाइम को बहुत अच्छा कहा जो वो घर पे गुजारती हैं. आपका वो टाइम अच्छा था या सही था? अच्छा था. अगर आपका हस्बैंड थोड़ा सा टॉन्टिंग हो और हर बात में तनकीद करने का आदि हो तो फिर आप खाना बहुत अच्छा भी बना के पेश कर दें तो कोई ना कोई नुक्स निकल आता है. निकल ऐसा आता मेरे साथ होता था. अच्छा. और ये क्योंकि हमने बहुत अच्छे केसेस अभी शेयर किए हैं जहाँ लोगों ने अपने हस्बैंड्स की तारीफ की है मगर ये भी एक फैक्ट है कि ख़वातीन को बहुत चैलेंजेस भी हैं और मुझे बड़ा अफसोस होता है वहाँ पर. हाँ. खास तौर पे जहाँ लड़की बहुत पढ़ी लिखी होती है या बड़ी सक्सेसफुल होती है छोड़ देती है. Yes. उसके बावजूद फिर थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि उसने कभी किया ही नहीं किचन और उसके बावजूद अभी भी मैं बहुत कुछ बना सकती हूँ. आई कैन मेक पास्ता और इटालियन और लज़ानिया चाइनीज बनाती हूँ ये कहने को नहीं है बट ये कि अब सिंस 4 years आई एम लिविंग एट मॉम्स प्लेस. एक विडो बहन है उनके साथ रहती हूँ भांजा भांजी हैं तो मतलब अभी मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम जो मिला हुआ है ना इस अमेजिंग बहुत आउट क्लास. मतलब मुझे कहीं जाना होता है मुझे ये फिक्र नहीं है कि बेटी का क्या होगा वो किसके पास रहेगी और वो बहुत ख्याल करती हैं. बहनें मेरी बहुत सपोर्टिव हैं. और आपकी बातों से मुझे ये लगा कि हस्बैंड की क्योंकि आज हम हाउसवाइफ्स की बात कर रहे हैं अभी उरूज भी कह रही थी कि हस्बैंड्स की सिर्फ अप्रिसिएशन ही हो या कुछ तवज्जो ही हो तो वही इंसान की कुल कायनात होती है और उसके लिए मेरे ख्याल में वही काफ़ी होता है. उसको और कुछ नहीं चाहिए. होती है थोड़ी बहुत करेज देना चाहिए. ओके. और यहाँ पर हमारी मॉडल तैयार हो गई. ओह ओह वाह 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 क्या बात है. लुकिंग रियली प्रिटी and very graceful indeed. हाँ, बहुत graceful लग रही है. ज़्यादा कुछ नहीं किया. हल्का सा कुछ किया है. Close तो करें ना इनका जरा देख तो सके हम. और मैंने शैला साहब खुद भी देखिए आप कैसी लग रही हैं आप बताइए स्क्रीन पे देख. अच्छी लग रही है ना. हाँ अच्छी लग रही है. कर दिया बस. कितनी देर लगी बस यूं थोड़ा सा. और आप जरा से भी डायमंड्स वाले कोई बूंदे पहन लेते हैं वो एक अलग इफेक्ट देते हैं फेस. ये आपने बड़ा अच्छा बताया तलक. थैंक यू सो वेरी मच क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि हमारे यहाँ इस एज की खवातीन जिनके बच्चे बड़े हैं या जिनकी बहुएं हैं वो बड़ा लेट बैक होती हैं कि नहीं मैं नहीं लगाऊंगी मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी मैं ये नहीं करूंगी. लेकिन आपको अच्छा लग रहा है ना. बिल्कुल ओवर नहीं लग रहा. बिल्कुल ओवर नहीं लग रहा. और ये इतनी ग्रेसफुल लग रही है माशाल्लाह से. और वैसी बड़ी प्रिटी है ये. हाँ स्किन भी बहुत अच्छी है. थैंक यू सो वेरी मच. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और मुझे तो लगता था कि हम और टाइम भी साथ स्पेंड कर सकते थे मगर वक्त यहाँ पर खत्म हो गया. उरूज शाहिना साहिबा शैला साहिबा तलत थैंक यू सो मच रिदा थैंक यू सबीन थैंक यू फरजाना थैंक यू. आप सबका बहुत शुक्रिया. आपने हमें इस पूरे वीक ज्वाइन करना है. हम खवातीन को फोकस कर रहे हैं. कल आपसे मुलाकात करेंगे विमेंस डे पे. इंटरनेशनल विमेंस डे पर हम क्या लेकर आ रहे हैं उसके लिए यू स्टे ट्यून्ड. अपना ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.